मंगल भवन य मंगल हारी दरहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या बात, बहुत ही सुनसान दिखाई दे रहा है। लगता है मैं बहुत पहले आ गया हूँ टहलने, इसलिए बहुत सुनसान दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई न कोई जरूर मिलेगा। राम 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 अन्ना चाचा, का हाल चाल है? बड़ा सवेरे टहलने निकल लिए हैं, और बताइए कैसे हैं आप? राम राम पप्पू बेटा, और क्या हाल चाल है, कैसे हो? कैसे आज बड़ा सवेरे टहलने का मन बना लिए हो क्या? हाँ चाचा, आज सुबह सुबह नींद नहीं लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो आज बीच का सैर ही कराते हैं, थोड़ा बहुत ठंडी हवा और खुली हवा में सांस ले लेंगे, थोड़ा सा शरीर भी फुर्ती में आ जाएगा। अति उत्तम विचार पप्पू बेटा। और सब कैसे चल रहा है? सुने हैं आजकल तुम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो? हाँ चाचा, आजकल मैं भारत जोड़ो यात्रा पे निकला हूँ, और भारत को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा का पूरा एक रस्सी में बांध करके ही छोड़ूंगा। बिल्कुल सही विचार है, एकदम पूरे भारत को बांध के रखो, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने, दादा दादी पापा सभी लोगों ने बांध के रखा था। किसी को न कुछ सुनने का मौका था, न बोलने का मौका था, न कुछ करने का मौका था। बिल्कुल सही पकड़े हैं अन्ना चाचा, एकदम इसी के दम पे तो हमारे बाबा जी, दादी जी, मेरे पापा सभी लोगों ने भारत पे खूब राज किया, पूरे भारत को एकदम बांध के रखा था, सबका मुंह सील के रखा था, किसी को कुछ न बोलने का, न कोई सुनने का, न करने का, न देखने का। एकदम सही पप्पू बेटा, वही स्थिति तुम भी लाना चाहते हो? घर से गरीबी इनका भगाओ का नारा दे करके लोगों को और गरीब बनाते गए। बिल्कुल सही रास्ते पर है चाचा, एकदम मेरा भी यही उद्देश्य है कि भारत को एकदम पार के रखें, और ना कोई कुछ बोले, ना कुछ कहे, ना कोई देखे, ना सुने, सब लोग गांधी जी के बंदर की तरह से रहें और हम इस देश पे राज करते रहें, गरीबी भगाओ का नारा देते रहें। और गरीब तो नहीं जाएगा, गरीबी तो नहीं जाएगी, लेकिन गरीब भले मर जाएगा। अच्छा और बताओ पप्पू बेटा, तो कैसे चल रहा है तुम्हारा ये भारत जोड़ो यात्रा? कहाँ तक इसमें तुम सफल हुए हो और कहाँ तक सफलता मिलने की उम्मीद है, कुछ हमें भी बताओ। अन्ना दादा, बिल्कुल सब सही चल रहा है, मैं भारत के एकदम जोड़ने के एकदम करीब पहुँच चुका हूँ, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। लेकिन रही बात अंदर की, तो वो तो नहीं बताऊँगा, मैं इतना बड़ा पप्पू तो नहीं हूँ कि मैं सबको बताता हूँ, और सब लोग जान जाएंगे तो हमारे भारत जोड़ो यात्रा की हवा निकाल देंगे, और इसलिए मैं अंदर की बातें तो नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, एकदम अकलमंद वाली बात की है पप्पू बेटा। तुम्हें झूठे लोग कहते हैं कि पप्पू, तुम तो वाकई बहुत अकलमंद आदमी हो भाई। आने वाले दिनों में तुम जो अकलमंदी दिखा रहे हो, उससे हमें लगता है कि तुम्हारा राजनीतिक करियर अच्छा रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन रही बात, यहाँ तो दो ही लोग खड़े हैं, तुम हो और हम हैं, तो फिर दूसरा कौन रायता फैलाने आ जाएगा? अरे अन्ना चाचा, आप नहीं जानते हैं, जहाँ हमारे मुंह से निकला नहीं कि रायता बना नहीं, जैसे देख लीजिए, हमने आलू से सोना बनाने की बात कही नहीं तो पूरे देश में फैल गई, मैंने सस्ते गल्ले की दुकान खोली नहीं, पानी को किलो में बेचने लगे तो लोगों को कष्ट होने लगा, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ रायता बन जाता है, अब जानते हैं रायता मैं नहीं है, हमारे समझी। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, रायता मैन,
फर्जी वाल। रायता उससे अच्छा तो कोई फैला नहीं सकता, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ इंडिया में, इससे बढ़िया कोई रायता फैला सके। तो तुम्हें डर लग रहा है रायता मैन मतलब फर्जी वाल से। बिल्कुल सही पकड़े हैं चाचा, हमको अब फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, जहाँ कुछ बोलते हैं तब तक रायता बन जाता है, इसीलिए अब फूंक फूंक के कदम रखा है और आराम आराम से मैं एक एक चीज़ों का विश्लेषण करके ही बोलता हूँ। फिर भी कहीं कहीं से गलतियाँ हो ही जाता है, मैं बहुत ज्ञानी तो हूँ नहीं, मुझे ज़बरदस्ती राजनीति में लाया गया है और खानदान की वजह से मैं राजनीति कर रहा हूँ, उसी वजह से मेरी राजनीति चल भी रही है, लेकिन अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है पप्पू बेटा, आपको देना चाहिए और समय रहते देना चाहिए, आने वाले दिनों में देश का भविष्य आप ही जैसे लोग हैं, इसलिए अपने आप को सोच समझ करके ही कदम उठाइए। अच्छा चलता हूँ अन्ना दादा, राम राम, क्योंकि बहुत सारे काम हैं अभी मुझे करने हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए। राम राम पप्पू बेटा, चलो हम भी चलते हैं, समय हो गया है, टहल के जल्दी से निकलें। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, साथ से साथ अपने दोस्तों को शेयर करें।